हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अनदर चैप्टर इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल के बारे में पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने डिस्कस किया। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर ये टॉपिक बचा हुआ है, नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति। नेचर ऑफ गुडविल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेचर्स ऑफ द गुडविल, इन विच फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल गुडविल और कैट गुडविल। इंस्टीट्यूशनल और कैट गुडविल मीन्स संस्थागत ख्याति, इस प्रकार की ख्याति, इस प्रकार की गुडविल किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा की वजह से होती है। उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से होती है। जैसे अपन देखते हैं क्रिकेट मैचेस का लाइव टेलीकास्ट होता है, उसके अंदर चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर हो रहा हो, कोका कोला जो एक कोल्ड ड्रिंक है, उसका एडवर्टाइजमेंट आपको चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने के अंदर मैच हो रहा हो, कोका कोला का एड आपको देखने को मिलता है। कोका कोला कंपनी जो है वो क्या हो गई, एक इंस्टीट्यूशनल हो गई। कोका कोला का जो ब्रांड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो गया। कोका कोला का ओनर कौन है, मालिक कौन है, उसका क्या नाम है, उसकी शक्ल कैसी है, इसके बारे में कस्टमर नहीं जानता है। कस्टमर किस नाम से जानता है, कोका कोला कंपनी से, कोका कोला कंपनी के नाम से जानता है। इसी तरह से जैसे हीरो होंडा कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाती है, जो कस्टमर है वो उसको संस्था के नाम से जानते हैं। हीरो होंडा कंपनी का मालिक कैसा है, दिखने में कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, कोई नहीं जानता है। आई मीन टू से इन द अदर वर्ड्स, ब्रांड, जब कोई ब्रांड या कोई कंपनी पॉपुलर हो जाती है तो कस्टमर उससे जुड़ता है, वो ब्रांड नेम ही कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, कि मार्केट के अंदर उन्होंने अपने प्रोडक्ट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से प्रतिष्ठा बनाई है, तो इसको इंस्टीट्यूशनल गुडविल कहते हैं। और बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी इसको बोलते हैं, कैट गुडविल भी इसको जाना जाता है। बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, कि जिस घर के अंदर एक बार आने लग जाती है उस घर के अंदर वो पुनः पुनः आती है। यहां पर जो कस्टमर को क्या माना गया है, जस्ट लाइक ए कैट, उसको मालिक से कोई मतलब नहीं है। मालिक चाहे कहीं भी हो, जिस तरह से एक बिल्ली किसी घर के अंदर एक बार आना चालू कर देती है तो उस घर के अंदर चाहे उस घर का ओनर या मालिक है या नहीं है वो जाती है। तो इस तरह की जो गुडविल है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो पहला अपन ने कौन सा पढ़ा, इंस्टीट्यूशनल गुडविल और कैट गुडविल। अब जो दूसरे तरह की जो गुडविल है, पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल। पर्सनल गुडविल यानी कि व्यक्तिगत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, डॉग गुडविल। इस तरह का जो बिजनेस होता है, कस्टमर को ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, संस्था के नाम से कोई मतलब नहीं है, व्यापार का जो मालिक है, व्यापार का जो स्वामी है, उसका व्यवहार अच्छा है,
साफ सफाई से वो रहता है, कस्टमर को अच्छी तरह से डील करता है, तो जो कस्टमर का जो रिलेशन होता है वो व्यवसाय के मालिक से हो जाता है, व्यवसाय के मालिक से उसके रिलेशन बढ़िया हो जाते हैं और वो उस ऑनर की वजह से परचेजिंग करने के लिए बार बार उसी दुकान के ऊपर या उसी शॉप के ऊपर जाता है। इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि डॉग इज ए वेरी फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता है वह बहुत वफादार जानवर होता है। जहां जहां मालिक जाता है वहां वहां कुत्ता उसके पीछे जाता है। कुत्ता मॉर्निंग वॉक के ऊपर जा रहा है, यदि मालिक मॉर्निंग वॉक के ऊपर जा रहा है तो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे मॉर्निंग वॉक के ऊपर हो लेता है। मालिक यदि बाहर गया तो कुत्ता बाहर आ जाता है और अंदर आया तो अंदर आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि यदि इस तरह के व्यवसाय के अंदर मालिक ने अपनी जगह चेंज कर ली या दुकान चेंज कर ली और यदि कहीं भी वो चला गया है और उसने एक बोर्ड लगा दिया है कि ये दुकान यहां से ट्रांसफर हो गई है और यहां पर एड्रेस यदि दे दिया गया है तो कस्टमर पर्सनल गुडविल की वजह से, ऑनर की पर्सनल गुडविल की वजह से उस दूसरी शॉप के ऊपर वो चला जाता है। ये जो डॉग गुडविल होती है इसकी वैल्यू कैट गुडविल से कम मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? पहली इंस्टीट्यूशनल संस्थागत ख्याति, दूसरी पर्सनल गुडविल, गुडविल रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और द डॉग गुडविल, एंड थर्ड एंड लास्ट गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट और रेड गुडविल, आकस्मिक घटनाओं से संबंधित ख्याति। इस तरह की जो ख्याति होती है, इस तरह की जो गुडविल होती है, इसकी वैल्यू सबसे कम मानी जाती है। इस तरह की जो गुडविल है कभी इंक्रीज हो जाती है और कभी गुडविल डाउन हो जाती है। कोई घटना घट गई, कोई आकस्मिक घटना घट गई, जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह बनाती है उस कंपनी के ऊपर फॉरेन की किसी लेडी ने क्लेम कर दिया कि जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर लगाने से या क्रीम लगाने से मेरे कैंसर हो गया। उसने कोर्ट के अंदर क्लेम सूट कर दिया और कंपनी को करोड़ों रुपए का क्लेम उसको देना पड़ा। तो उस पीरियड के अंदर क्या हुआ कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जो गुडविल है वो डाउन हो गई। और मान लो यदि किसी कंपनी की क्वालिटी के अंदर या कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो गुडविल बढ़ भी सकती है। जब मैंने गुडविल के बारे में बताया था और गुडविल की विशेषताओं की अपन चर्चा कर रहे थे तो उसके अंदर एक विशेषता थी कि किसी भी व्यवसाय की गुडविल परिवर्तनशील हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग हो सकती है, यानी कि कभी ज्यादा भी हो सकती है तो ज्यादा, कभी कम भी हो सकती है। चूहे के स्वभाव की ख्याति इसलिए बोला जाता है कि चूहा डॉग की तरह या कुत्ते की तरह वफादार नहीं होता है। एक मिनट के अंदर चूहा यहां है, दूसरे मिनट के अंदर वो चूहा वहां है। चूहा कौन? ग्राहक। इस तरह के जो बिजनेस होते हैं इनके जो ग्राहक होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, बंधे हुए नहीं होते हैं, न तो संस्था से बंधे हुए होते हैं, न व्यापार के मालिक से बंधे हुए होते हैं। ग्राहक की जब इच्छा होती है जब आते हैं और जब इच्छा नहीं होती है तो वो किसी दूसरी जगह के ऊपर चली जाती। तो इस तरह से तीन तरह की प्रकृति होती है गुडविल का, गुडविल के जो नेचर है वो तीन तरह की होती है। इंस्टीट्यूशनल गुडविल यानी कि संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, और दूसरी पर्सनल गुडविल व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, और तीसरी गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट और रेड गुडविल यानी कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, चूहे के स्वभाव की ख्याति यानी कि नटखट ख्याति, ग्राहक इसके अंदर नटखट होता है। इस तरह से अपन ने इस चैप्टर के अंदर
गुडविल क्या होती है, गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है, गुडविल कितने तरह की होती है, गुडविल का नेचर क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा करी। अब गुडविल का जो वैल्यूएशन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड हैं, इन सब की चर्चा अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। और अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।